Hello and welcome back to my class of 9th standard social science geography lesson number 13. उसका जो है part 1 वो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं और इस chapter का ये second lecture, ठीक है? Lesson का नाम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, India location, geological structure and physiography. Once again, the lesson's name is quite long. इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है? तो इस लेसन में सो फार हमने बहुत कुछ समझ लिया है एरिया लोकेशन के बारे में हमने इंडिया के, ठीक है? और लास्ट में हमने देखा था कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, मैरिटाइम नेबर्स है, उसके बारे में हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में. सो जस्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस लेसन. और इस लेसन में, इस पार्ट में हम समझेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में. टाइटल मैंने देके रखा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसमें दो तरीके की चीजें हमें समझना है कि पूरा जो लैंड मास है पूरे भारत का, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो, और वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से अस्तित्व में आया, ओके? पुराने जमाने से यानी लाखों करोड़ों साल पहले से लेकर आज तक किस तरह से हमारा आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो किस तरह से बना, वो भी हमें समझना है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे आपको मालूम ही होगा कि जियोग्राफिकल लेवल से देखा जाए तो पूरा जो हमारा प्लैनेट है, ओके, That is covered with water on 71% of the surface area. ठीक है, जितना भी हमारा सरफेस एरिया है उसके 71% में पानी भरा, लाइक हम देख सकते हैं. और बाकी का जो 29% है उसमें हम जमीन, माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स एंड ऑल दैट, वो सब हम देख सकते हैं. तो ये जो 29% है जिसके ऊपर ह्यूमन हैबिटेशन और जो लाइफ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है. एंड द स्टडी ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ओके? तो उस हिसाब से इस लैंड मास को बड़े लेवल पे देखा जाए तो ऑन द लार्जर स्केल दिस लैंड मास इज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? आपको वैसे पता ही होगा, आप 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़े ही होंगे कि 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके नाम क्या क्या है. हम जो कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सबसे बड़ा एशिया, ओके, एंड देन कम्स अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड यूरोप, ठीक है? ये 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा जो पूरे वर्ल्ड का लैंड मास वो डिवाइड किया गया है, ठीक है? अब बहुत पुराने जमाने की अगर हम बात करेंगे, राइट, आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले की, यानी करोड़ों साल पहले की रफ एस्टिमेट में आपको दे रहा हूं, तब ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल रिसर्च इट इज बिलीव्ड दैट द होल लैंड मास वॉज कनेक्टेड टूगेदर and this whole landmass was known as Gondwana land in the very earlier time, जब human habitation भी इतना नहीं था, ठीक है? तब करोड़ों साल पहले ये पूरा landmass सिर्फ एक ही था और कुछ tectonic moments जो earth का जो crust है उसके अंदर, यानी जिस surface के ऊपर हम लोग रहते हैं उसके नीचे जो tectonic moments हुई उसकी वजह से जमीन का जो है वो डिविजन कुदरती रूप से नेचुरल वे में हुआ. सो इट वाज बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है? अब ये किस तरह से होता है, उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो जो क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, इट इज एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड, ओके? जो जमीन की जो सतह है इसके नीचे जो मैग्मा वाटर वगैरह जो है वो लिक्विड के ऊपर तैरता हुआ ये क्रस्ट है.
और उसका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, भले हमें नहीं दिखता है लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली इट इज अ काइंड ऑफ मूविंग क्रस्ट, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ओनली द सिचुएशन ऑफ द डिफरेंट लैंड एरियाज ऑन द अर्थ इज नॉट स्टेबल। अभी का जो सिचुएशन है ठीक है वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा ऐसा नहीं है, इट इज बाउंड टू बी चेंज्ड ओके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में भी बदलाव आते रहते हैं, और वो बदलाव आने के जो कारण है वो ये है कि जो अंदर जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है वो तीन अलग अलग तरीके से होती है, जिसको तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। तो जमीन के अंदर जो नीचे लाइक इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स ओके, नंबर वन इज डाइवर्जेंट प्लेट, नंबर टू इज कॉन्वर्जेंट प्लेट एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है ये तीन अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती है और उसकी मूवमेंट भी अलग अलग टाइप की होती है। So, because of the different types of movements taking place inside the crust of the earth, we have named three different plates. अब आइए समझते हैं टेक्सटबुक में एक्चुअली ये मैंने अपनी ओर से आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दिया, लाइक एग्जैक्टली टेक्सटबुक में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। अभी आपका टेक्सटबुक का जो पोर्शन है पेज नंबर 130 पेज नंबर 103 में, एक्चुअली पेज नंबर 103 में आपको ध्यान रखना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो द एक्चुअल कंटेंट आई एम गोइंग टू रीड ओके, द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये लेसन इंडिया के बारे में है इसलिए इंडिया का जो लैंड मास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हमारा फिजियोग्राफी अभी बना हुआ है। बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स आर सीन। इसका मतलब ये है कि टेक्टोनिक मूवमेंट कई बार हमारे लिए फायदेमंद होती है लेकिन कई बार उसका नुकसान भी हमें होता है। सो बोथ द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एटमोस्फियर। जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर का जो मटीरियल है एक्चुअली इट्स अ रॉकी मटीरियल बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ सॉलिड रॉक वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज अ सेमी लिक्विड मटीरियल जिसके ऊपर ये अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है ऊपर की सतह है वो तैरती रहती है। ठीक है हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अंदर की ओर अगर हम लाइक छानबीन करेंगे ऑब्वियसली वहां पे जाना तो पॉसिबल नहीं हमारे लिए, रिसर्च के जरिए वो जानना लाइक टेक्नोलॉजी के जरिए हम ये जान सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो बहुत गर्म है, इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे पानी भी जो है वो स्टीम बन जाता है तो ऑब्वियसली हमारा जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। और उसके भी नीचे अगर हम जाएंगे तो मैग्मा हमें मिलेगा और ये मैग्मा और स्टीम का मिक्सचर और डिफरेंट टाइप के सेमी लिक्विड ड्रॉप्स की बदौलत रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो है वो हमेशा उसका प्रोसेस जो है वो नेचुरली होता रहता है। ठीक है तो इस रेडियो एक्टिव कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स या तो फिर टेक्टोनिक प्लेट्स बन गई है। ऐसी वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ओके जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स यू कैन सी ओवर हियर इन द टेक्सटबुक एज वेल। नंबर 1 इज पैसिफिक प्लेट, सेकंड इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द थर्ड वन इज साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ वन इज यूरोपियन प्लेट, फिफ्थ वन इज अफ्रीकन प्लेट, सिक्स्थ इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द लास्ट वन इज एंटार्कटिक प्लेट। ठीक है इस तरह से 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम है ये, आपको याद रखना है आपके आंसर्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन केस अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आए
नेम द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये इसका आंसर है, देर आर सेवन लिथोस्फेरिक प्लेट्स एज फॉलोज, ऐसा करके आपको ये सातों प्लेट्स के नाम लिखने हैं, एक्यूरेटली लिखना है, ठीक है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द सेवन लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज समझना जरूरी है कि लाइक अर्थ का जो इंटीरियर है उसके मुताबिक उसके तीन डिवीजन है, ओके, डायवर्जन प्लेट, कॉन्वर्जन प्लेट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। ऐसे तीन अलग अलग तरीकों से हम प्लेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइए समझते हैं कि लाइक डायवर्जन प्लेट किसको हम कहेंगे, तो उसको मैं फिगर के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्स्ट बुक में तीन अलग अलग टाइप की फिगर्स लिखी गई है, मीन्स ड्रॉ की गई है, डायवर्जन प्लेट के लिए अलग है, कॉन्वर्जन प्लेट के लिए अलग है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, दीज आर वेरी नाइस फिगर्स एक्चुअली, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है बोर्ड में, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, समझना उसको आसान है, फिर भी मैं आपको बहुत ही लाइक डिटेल में इस तरह से समझाऊंगा। फिगर एक है, लेकिन इस एक ही फिगर में हम तीनों टाइप के प्लेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से, कि इन केस इफ टू प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दो प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, तो उसको हम डायवर्जन प्लेट्स कहते हैं। आई रिपीट वन मोर टाइम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि दो प्लेट्स जमीन के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ये चीज ऊपर से नहीं दिखती है, ठीक है, एंड इट्स द काइंड ऑफ यू नो मिक्सचर ऑफ सेमी लिक्विड एंड सॉलिड रॉक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उससे मिला हुआ एक से बना हुआ एक प्लेट होता है, ठीक है। तो दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही है तो हम उसे डायवर्जन प्लेट कहते हैं। तो उसका मूवमेंट इस तरह से होता है, मैंने एरो के जरिए आपको दिखाया है कि ये प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इन द सेम वे दिस प्लेट इज आल्सो गोइंग टू ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो दो प्लेट्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से जा रही है तो उसको हम डायवर्जन प्लेट कहते हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रोरी, कॉन्ट्रास्टिंग टू दैट, अगर दोनों प्लेट, अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर लेकिन वो दोनों प्लेट एक दूसरे से करीब आ रही है, इन केस दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, और लाइक ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है, इसलिए टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो कॉन्वर्जन प्लेट के लिए लिखा है, तो उसमें आप बीच में अगर देखोगे तो कॉन्वर्जन प्लेट जब एक दूसरे से करीब आती है तो ऑब्वियसली देयर इज अ कोलिजन बिटवीन दैम, ठीक है, कोलिजन यानी दोनों के बीच में टकराव होता है और वो प्लेट जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज भी कर देती है वो टकराव की वजह से। तो इन शॉर्ट एक दूसरे से करीब आने वाली जो दो प्लेट्स होती हैं तो उसको हम कॉन्वर्जन प्लेट्स कह सकते हैं, ओके, और इसी फिनोमेनन को मैंने एरो के जरिए दिखाया है, दीस टू एरोज आर काइंड ऑफ द साइंस ऑफ द प्लेट्स, टू प्लेट्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस कमिंग टूगेदर, ठीक है। और जो तीसरा टाइप का प्लेट है वो बहुत ही अलग है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, राइट। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वो ऑब्वियसली उसके फिगर के जरिए आप समझ सकते हो कि दोनों हॉरिजॉन्टल वे में एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला प्लेट जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इन द हॉरिजॉन्टल वे when the two plates are moving to the opposite directions then it is known as transform boundary, ठीक है। अब फिगर के जरिए वही फिगर्स तीन अलग अलग आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए गए, तो आई होप के आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली रिटन इन द टेक्स्ट बुक, ओके। जो वर्ल्ड मैप दिया गया उसके ऊपर का पैराग्राफ, At some places, these plates come closer to each other, which are known as convergent places.
ओके, तो जो मैंने आपको समझाया वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। सो डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस दोनों चीजें पॉसिबल है, उनकी वजह से जमीन के ऊपर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ओके, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग हो सकता है, ठीक है, जमीन का मुड़ना उसको हम फोल्डिंग कहेंगे, और वहां पे गैप्स बन जाना उसको फॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस की वजह से होता है, लेकिन ये एक स्लो मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि सडनली ये सब होता है। दिस सच काइंड ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द नंबर ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल तक ये मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। और ग्रेजुअली लैंड का जो स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दीस प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि हजारों लाखों साल हो जाता है, तो उसकी वजह से शेप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एज वेल एज देयर लोकेशंस हैव चेंज। लैंड फॉर्म्स और इवन एक ही कंट्री का या तो एक ही आइलैंड का या तो एक ही लैंड एरिया का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाता है। Wherever these drifting places have collided with each other, it has resulted into mountain building process. खास करके जो convergent plates होती है, क्योंकि वो कोलाइड होती है, दोनों के बीच में टकराव होता है, इसलिए जैसे जिस एरिया में कॉन्वर्जेंट प्लेट्स होती है, टकराव होता है प्लेट्स के बीच में, तो वहां पे माउंटेन्स बन जाता है, क्योंकि जमीन का वो हिस्सा, क्योंकि जो सॉलिड हिस्सा होता है, उस टकराव की वजह से अपनी जगह ढूंढ के ऊपर की तरह तरफ मूवमेंट करता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिचुएशन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इन दैट एक्सेंस बिकॉज ऑफ कॉन्वर्जेंट प्लेट्स, ओके। मूविंग ऑन, इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक छोटा सा हिस्सा था, पूरा जो अभी 7 कॉन्टिनेंट में हमारा प्लैनेट बटा हुआ है वो पूरा एक ही बहुत बड़ा सा लैंडमास था, एंड दैट लैंडमास वॉज नोन एज गोंडवाना लैंड, ओके। उसमें से धीरे धीरे ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जो है प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गई, ठीक है, एंड स्पेशली द 7 कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड, राइट। एंड यहाँ पे मूवमेंट किस तरह से हुई होगी, एक उसका एक छोटा सा एस्टिमेट यहाँ पे दिया गया है, तो वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पेज नंबर 104 के ऊपर, एक्चुअली, ठीक है, आपका जो पेज नंबर 104 है उसका टॉप पैराग्राफ में देखिएगा। India was a part of very vast and ancient landmass known as Gondwana land. This vast landmass consisted of present South America, Africa, Australia, Antarctica. Over a period, Indo-Australian plate started drifting gradually towards north. अगर आप वर्ल्ड मैप के सामने देखोगे तो ये सिचुएशन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सबसे पहले Indo-Australian plate जो कि डाइवर्जेंट प्लेट थी, एक दूसरे से दूर जा रही थी, इसलिए वो अलग हुई। यानी हम यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि इन केस इफ यू हैव अ लुक एट द वर्ल्ड मैप वंस अगेन, तो ऑस्ट्रेलिया जो ग्रीन कलर का एकदम साउथ ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है, आपको समझ में आ ही जाएगा। पेज नंबर 103 के वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एरिया में जो एकदम नीचे का जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसका शेप कुछ इस तरह से है कि अगर उसको हम मैच करेंगे इंडिया के साथ तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि काफी साल पहले ये लैंड एरिया इंडिया से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अलग होने की, क्योंकि वो डाइवर्जन प्लेट की मूवमेंट की वजह से हो रहा था, इसलिए उसके अलग अलग होने की प्रोसीजर शुरू हुई और अलग होके अभी तो फिलहाल ये लैंड मास हमसे काफी दूर चला गया है, एंड इन फैक्ट इट इज एक्चुअली नोन एज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो कंट्री इस कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो सबसे पहले Indo-Australian plate started drifting gradually towards north.
It is so believed that this plate collided with a large European plate before about 5 crore years. जहां तक इंडिया का अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली मूवमेंट इंडिया का जो पोर्शन है उसकी ओर से ज्यादा था. ओके और इसलिए जो कॉन्वर्जेंट प्लेट जो यूरोपियन प्लेट जो कि कॉन्वर्जेंट प्लेट था वो एक जगह पे स्थिर था इसलिए वहां पे कोलिजन हुआ. ठीक है और ये हुई थी घटना 5 करोड़ साल पहले. ओके बहुत लंबा सा पीरियड है एक्चुअली. सो ड्यू टू दिस कोलिजन बिटवीन इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट द हिमालय माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ डेथ सी. इस सेंटेंस को आपको अंडरलाइन करना चाहिए. एक्चुअली हिमालय माउंटेन रेंज बहुत ही पुराना हमारा माउंटेन रेंज है और काफी लंबा और काफी पुराना है. हम एग्जैक्टली ऐसा ट्रैक नहीं कर सकते कि कब हिमालय माउंटेन रेंज बना था. ठीक है हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हिमालय माउंटेन रेंज काफी इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था क्योंकि वो एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया और चाइना के बीच में खास करके. ठीक है तो ये पहले जब हिमालय नहीं था तो टेथिस सी था लेकिन कॉन्वर्जन प्लेट की कोलिजन की वजह से उसी समंदर में से कोलिजन की वजह से समंदर की जगह पे माउंटेन बन गया. माउंटेन यानी एक माउंटेन नहीं वो पूरा माउंटेन रेंज है और उसी माउंटेन रेंज को आज हम हिमालय माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं. ठीक है अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द हिमालय सिस्टम. हिमालय माउंटेन रेंज बनने के बाद उसके नीचे यानी साउथ में एक वैली जैसा स्ट्रक्चर बन गया वेर इन एल्यूवियल सेडिमेंट्स वर डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट. अब हिमालय माउंटेन रेंज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक बर्फीला माउंटेन रेंज है और कुछ रिवर्स हैं गंगा है ब्रह्मपुत्र है यमुना है और बहुत सारे रिवर्स हिमालय माउंटेन रेंज से निकलती है. ठीक है तो कुदरती रूप से वो पहले से ऐसा है. वो रिवर्स का भी अगर हम अंदाजा लगाए तो काफी पुरानी रिवर्स है. ठीक है तो वैली का स्ट्रक्चर बन गया इसलिए ऑब्वियसली जो पानी पिघलता है माउंटेन रेंज में वो नीचे की ओर फ्लो करेगा. ठीक है और बहुत भारी मात्रा में ये पानी जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो नेचुरली वो वैली जैसे स्ट्रक्चर में जहां पे जमीन का लेवल नीचे था. ठीक है तो वहां पे रिवर्स बन गई और ऐसे काफी रिवर्स वहां से बहती है. अ ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन टू प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड सबमर्ज्ड. दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अरेबियन सी. ठीक है जमीन का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो पहले जमीन हुआ करता था लेकिन अब नहीं है. ठीक है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वो जमीन का हिस्सा पानी में नीचे बैठ गया पानी ऊपर आ गया और ऐसा हुआ था वेस्टर्न साइड में उसी वक्त लगभग उसी वक्त जब हिमालय माउंटेन रेंज बना उसी वक्त. ठीक है तो वो जमीन जो नीचे बैठ गई उसकी जगह पे पानी आ गया और उसी एरिया को आज हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं. सो दैट वॉज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन विच टुक प्लेस रियली नियरली अबाउट द सेम टाइम 5 करोड़ साल पहले. ठीक है ओके ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न गार्ड्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट. ये सबमर्जेंस हुआ यानी जमीन नीचे बैठ गए उसी वक्त वेस्टर्न गार्ड्स भी बने थे. ओके इंडियन पेनिनसुलर एरिया में एक्चुअली वेस्टर्न गार्ड्स भी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन वो भी एक माउंटेन रेंज है तो वो भी लगभग उसी समय बना होगा. तो इस तरह से इंडिया का फॉर्मेशन जो है वो अलग रूप से हुआ. ओके ये तीन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से सो वी कैन कंक्लूड विद द फैक्ट दैट इंडिया हैज अ लार्ज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. ओके इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके की अलग अलग टाइप की रिवर्स देखने को मिलती है. देर आर लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस सीन इन द नॉर्थ मैनी प्लेट्यूज समिट्स एंड पासिस आर ऑल्सो सीन
फिर रिवर्स का अगर हम नाम लेंगे तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ओके. देयर एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैव फॉर्मड द प्लेन. नॉर्थ इंडिया में जनरली बहुत ही फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है. वो उसका रीजन यही है कि जो बड़ी बड़ी रिवर्स के जो मैंने आपको नाम बताया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वो एल्यूवियल डिपोजिशन वहां पे करते हैं, जिसकी वजह से जमीन वहां पे फर्टाइल रहती है. दूसरी बात ये है कि वो रिवर्स हमेशा पानी से भरी हुई रहती है, चाहे बारिश हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि उसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो हिमालय माउंटेन रेंज है. पानी जो आता है वो हिमालय माउंटेन रेंज से पिघल कर आता है, इसलिए हमेशा भरी हुई ये रिवर रहती है, और इसलिए ये लैंड एरिया जो है काफी फर्टाइल है, और इसीलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये, ठीक है. उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, फिर बहुत सारे दूसरे स्टेट, बिहार, इस तरफ अगर हम देखेंगे ईस्टर्न साइड में बिहार और झारखंड, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जो ज्यादा करके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द स्पेशल फीचर अबाउट हैविंग सो मैनी रिवर्स, नेचुरली फॉर्म रिवर्स ड्यू टू हिमालय माउंटेन रेंजेस, ओके. Two edges in the form of ghats, two sides of the plateau and coastal plains on east and western margins are situated. हमने previous lecture में देखा था कि north में अगर हिमालय mountain range है तो east, south और western direction में तीन side से India जो है वो water bodies से घिरा हुआ है, ओके. तो ऐसा एक डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी वाला हमारा कंट्री है, ओके. तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है. एक्सरसाइज आपको लिखना है, ओके, पूरा एक्सरसाइज आपको लिखना है, और टेक्स्ट बुक में इसके आंसर्स जो है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे. बट इन केस इफ यू आर लुकिंग टू यूज द रेफरेंस बुक, देन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन मोर टाइम. You can use the different reference books like Ocean Publication, Camp Publication और Navneet का भी reference book आता है. लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको answers, क्योंकि directly mostly सारे answers जो है वो directly आपको textbook में से मिल ही जाएंगे. Textbook में से answer लिखने का फायदा ये है कि आप answer ढूंढने के वजह like उसके reason से आप textbook पढ़ोगे भी सही, ठीक है. तो लेसन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, लेकिन दो तीन बार आपको पढ़ना है, ठीक है, तब जाके सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. थैंक यू.